हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु है त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% लाभ कमाता है। वह 1 kg के स्थान पर कितना सामान देता है, यानी कि 1 kg स्थान पर वह कितना सामान देता है, ये हमें देखना है दोस्तों। अब देखो वह क्या करता है, 11 सही 1/9 लाभ कमाता है प्रतिशत। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 100/9। अब हम करते हैं, मान लेते हैं वो त्रुटि करता है एक्स की त्रुटि करता है, तो कितना उसमें वजन तोल लेगा वो बाट का प्रयोग करता है दोस्तों, 1000 - x का, तो गुणा में प्रतिशत के लिए 100 इक्वल में लाभ कितना होता है उसको, लाभ होता है दोस्तों 100/9। इसको हम सोल्व करेंगे, 100 से 100 कट हो जाएगा दोस्तों। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर भी एक है इधर भी एक है, तो 1000 - x की मल्टीप्लाई उधर करेंगे, तो ये इस साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा, उस साइड में क्या हो जाएगा 1000 - x, तो ये माइनस का x इस साइड में आके प्लस का हो जाएगा, 9x और 1x 10x इक्वल में 1000। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1000/10, यानी कि x इक्वल टू 100। तो त्रुटि कितनी करता दोस्तों, 100 की। तो वह 1 kg के स्थान पर कितना सामान देता है, 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, 100 ग्राम की वह त्रुटि करता है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1000 - 100, तो कितने ग्राम देता है वो 1 kg की जगह 900 ग्राम देता है दोस्तों। यही क्या हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अपने मैथ विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।